हरिः ओम्। प्रथमः स्कन्दः दशमोऽध्यायः एकादशतमः श्लोकः। सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गो सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गो हातुं वत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो तस्य सकृदाकर्ण्यरोचनं। सत्सङ्गान् मुक्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुध कीर्त्यमानं यशो तस्य सकृदाकर्ण्यरोचनम्। सकृदाकर्ण्यरोचनम्। अरे परमात्मनः यः यशः तस्य यशसः संकीर्तनम्। एकवारं येन प्राप्तं येन श्रुतं तादृशः सत्संगात् हरियशं यशः प्राप्तः येन अथवा संकीर्तनं प्राप्तं येन तादृशः बुधः बुद्धिमान् पुरुषः कदापि प्राप्तुं दुस्संगं प्राप्तुं न शक्नोति। अर्थात् सः सत्संगं त्यक्तुम् एव न शक्नोति। हातुं नोत्सहते बुधः सत्संगान् मुक्त दुस्संगो। सत्संग से जिसने दुस्संग छोड़ दिया है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कभी उस सत्संग को छोड़ सकता है? क्योंकि सत्संग से तो उसने दुस्संग छूटा है। अब वो कभी भी सत्संग को छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है। और वो भी सत्संग किसका है? कीर्त्यमानं यशो यस्य यस्य यशः कीर्त्यमानं। जिसका नित्य निरंतर यश गाया जाता है और यश केवल परमात्मा का गाया जाता है। गुणगान यशोगान तो परमात्मा का होता है और परमात्मा के गुणगान गाते 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 सत्संग से जिसका दुस्संग निकल चुका है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कभी फिर से दुस्संग की अपेक्षा तो नहीं रखता है। जो एक बार भी सुन लेता है सकृदाकर्ण्यरोचनम्। एक बार भी जो भगवान के गुणगान को सुन लेता है, एक बार भी वो सत्संग को प्राप्त कर लेता है, एक बार भी यशोगान को सुनने के बाद वो दुस्संग से मुक्त हो जाता है ऐसा बुद्धिमान पुरुष कभी फिर से दुस्संग को नहीं स्वीकार करता है। सकृदाकर्ण्यरोचनम्। अतः अहमपि कथयामि अत्र तथा तु अपरस्य द्वादशतमस्य श्लोकस्यापि अनुसन्धानं वर्तते। किमर्थं ते साङ्गधन्वनः विरहं न सेहिरे। अत्र कारणं यद् निर्मलं यशः परमात्मनः तस्य कीर्तनं निरन्तरं न एकवारमपि ये कुर्वन्ति ते सत्सङ्गकारणेन मुक्तदुःसङ्गाः भवन्ति।
मुक्त दुस्संगाः भवन्ति ते बुद्धिमन्तः कदापि पुनः दुस्संगं प्राप्तुं इच्छन्ति न। हरिः शरणं मम हरिशरणं 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 मम हरिशरणं।